जमशेदपुर अभिभावक संघ ने स्कूल परिसर और स्कूल के आसपास लगे टेलीफोन टावर को हटवाने के लिए उपायुक्त से मांग की है। जमशेदपुर अभिभावक संघ के डॉक्टर उमेश कुमार अपने समर्थकों के साथ उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट और स्टैंडर्ड लेबल ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टरी के अनुसार किसी भी स्कूल और स्कूल के 500 गज के दायरे में टेलीफोन टावर नहीं लगाना चाहिए। इसके बाद भी लोयला स्कूल, कदमा डीवीएमएस, जुस्को स्कूल और साक्षी एमएनपीएस के सामने घर में एक साथ 4 टावर लगाए गए हैं। वे उपायुक्त से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उन टावरों को हटाया जाए। उसको हटाने के संबंध में मांग करने हैं। सुप्रीम कोर्ट एवं स्टैंडर्ड लेवल ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन रेट द्वारा ये डायरेक्टिव तय किए गए हैं कि निजी स्कूल हो चाहे उसके कैंपस हो, उसमें मोबाइल टावर्स नहीं होने चाहिए। और यही नहीं, मोबाइल टावर्स के एरिया में 500 मीटर रेडियस में जो है स्कूल्स के दायरे में नहीं आने वाले जो है टावर नहीं लगने चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी जमशेदपुर में कुछ स्कूल्स जो हैं जिस पर मोबाइल टावर्स लगे हुए हैं, आप लोयला स्कूल देख सकते हैं, उसके छत पर मोबाइल टावर लगा हुआ है। और सबसे दुर्भाग्य की बात है कि उसके सराउंडिंग में एलिट क्लास के लोग रहते हैं, उन्होंने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। दूसरा है, आप डीवीएमएस स्कूल में देख सकते हैं कदमा, जिसमें जो है उसके कैंपस में मोबाइल टावर लगा हुआ। और दुर्भाग्य की बात है कि उसके बगल में और एक स्कूल जुस्को स्कूल है, और इसके अलावा जो है आप साक्षी में एमएनपीएस, उसके बगल में एक निजी घर में 4 टावर लगे हुए। तो ये सब को हटाने की मांग को लेकर आज हम लोग जिला प्रशासन से बात करने आए हैं, और उपायुक्त महोदय से भी मिले और एसडीओ महोदय से भी मिलने जा रहे हैं। और साथ में हम लोगों ने झारखंड प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से भी लेटर भेज के मांग की है कि इस पर अपने तरफ से कार्रवाई।